नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में बड़ी मुंढेरी गांव में दो नाबालिग लड़कों को एक प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करना इतना महंगा पड़ गया। दूसरे प्रत्याशी सह निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष कैलाश बिंद के समर्थक ने इन दोनों नाबालिग अंकित और गौतम को गोली मारकर घायल कर दिया है। दोनों घायल नाबालिग का इलाज मुंगेर सदर अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। जानकारी के अनुसार बीती रात लगभग 1:30 बजे गौतम अपने मित्र के साथ अंकित के साथ पास के कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी कैलाश बिंद के उसके समर्थकों के साथ आते हैं और उसको पहले दोनों लड़कों को मारा पीटा जाता है, उसके बाद दोनों को गोली मार कर उन्हें घायल कर दिया जाता है। इस घटना के बाद परिजनों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उन्होंने बेहतर इलाज के लिए उन्हें मुंगेर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। अंकित को पीछे कमर में चोट लगी है और बता दें कि गौतम को दाहिने हाथ की कलाई के ऊपर चोट लगी है, गोली मारी गई है। तो हम आज ग्रामीण के साथ हम नॉमिनेशन करने नहीं जाते हैं और वो हजारों हजार के संख्या में हमको ग्रामीण नॉमिनेशन कराने नहीं लेके जाता। करीब करीब आज हमारे साथ 5,000 जनता गए थे नॉमिनेशन कराने। अगर हम गोली मारते तो हम जाते यहाँ जाते ब्लॉक में नहीं जाते, कभी नहीं जाते, नहीं मेरा पिताजी जाते, कोई नहीं जाता मेरा घर से, हमारे साथ इतना ग्रामीण जनता नहीं जाते। वो तो खुदे पहले से नामजद आरोपी है, 5 केस में लंबित है, प्रशासन के अथी से नहीं कुछ गिरफ्तारी हो रहा, उसका घर में दरोगा है इसीलिए वो जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। आखिर आप पे आरोप क्यों लगाया जा रहा है, क्या कारण है? चुनाव के षड्यंत्र के लेकर के विपक्षी, कल विपक्षी जो है एक FIR में उसका गिरफ्तार हुआ है इसीलिए वो हम लोग पे फंसाया जा रहा है। कौन गिरफ्तार हुआ है? महेंद्र सिंह। कौन है महेंद्र सिंह? रेखा देवी का पत्नी है जो नॉमिनेशन अध्यक्ष पद से कराई है। अच्छा, वो पहले से आरोप थे, वो आरोप करने का विषय है। इससे पहले भी हम आज से 3 दिन पहले हम कोर्ट में आवेदन लगाए हैं SP साहब और SP साहब के पास हम गुहार लगाए हैं कि इस पे जो है हमको फंसाया जा रहा है, इस तरह से किया जाएगा। हम पहले आवेदन दे चुके हैं। आपसे को क्या दुश्मनी चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है? हाँ, पहले से ये जो है चुनावी रंजिस का लेकर के और सामाजिक स्तर से चल रहा है उनसे वातावरण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत बिंद। कहाँ घर है? मुढ़ेरी। और गोली मारा? कैलाश बिंद मरवाया अपने बेटे से। पुलिस बिंद है राजा। क्या नाम है उसका बेटे का? उसका बेटा पुलिस बिंद उर्फ रंजीत बिंद, और उसका एक और बेटा है बादल बिंद उर्फ अंकुश बिंद, और विजय बिंद है, अमन पासवान है, और कौन था? क्यों गोली मारा? गोली मारा वही कि अच्छी फैक्स के इलेक्शन के खातिर कि उसके साथ नहीं घूमो, हम घूमते तो उसके साथ रेखा देवी के साथ घूमते थे, उसका कह रहा था रेखा देवी के साथ मत घूमो, वही घूमते थे इसलिए मारा गोली। घूमने से मना कर रहा था? हाँ, घूमने से मना कर रहा था। क्या बोल रहा था वो? कि मत घूमो उसके साथ, वही घूमे इसलिए रात में मार दिया गोली। और आशीष पासवान भी सबके साथ था। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग चिल्लाए तो गाँव वाला जुटा, तब तक लोग भाग गया, तो 2-3 गोली मेरे ऊपर चला के तब तक भाग गया। क्या करता है गोली मारा? फैक्स अध्यक्ष है। अध्यक्ष क्या नाम है? कैलाश बिंद। कहाँ का रहने वाला? बड़ी मुरेड़ी। बड़ी मुरेड़ी अध्यक्ष है, वही गोली मारा? नहीं, वही वही। हाँ, अपने बेटे से। वो भी अभी खड़ा है क्या? कौन? दो बार जीता हुआ है इसलिए इस बार खड़ा हुआ है इसलिए। किसको किसको गोली लगा? हमको, अंकित को। कौन है वो? वो दोस्त है। दोनों को गोली मारा? क्या नाम हुआ? मेरा गौतम कुमार। पिता का नाम? राकेश सिंह। कहाँ घर हुआ? बड़ी मुरेड़ी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल काफी गहराई से कर रही है। घायलों के परिजनों ने इस मामले में लगभग 7 लोगों के विरुद्ध हवेली खंडगपुर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करवाया है। पर वहीं इस मामले में जिस पर इस घटना का आरोप लगाया गया है उनके पुत्र रंजीत बिंद के द्वारा बताया गया है कि रणनीति के द्वारा हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। घटना में मुझे और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को फंसाने की साजिश की जा रही है।
आज जबकि हजारों लोगों के साथ नॉमिनेशन करने के लिए हम लोग गए थे, अगर गोली ही मारनी होती तो नॉमिनेशन करने नहीं जाते। साथ ही उन्होंने बताया है कि किसी को गोली लगती तो पूरे गांव को ये मामला पता चलता, लेकिन आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता जब लोगों को गोली लगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। इस खबर में बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज पर। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, और अगर वीडियो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।